ये पत्थर से बनाया गया है, इसको बोलते हैं बंकर। जब भी यहाँ पर शेलिंग होती है तो यहाँ के लोग जो है ना यहाँ पर बैठते हैं अंदर। और अभी इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, आप यहाँ पर बैठो, ये यहाँ पर बैठे, यही तो पार्टी के वार्टी का सिस्टम तो नहीं है। अच्छा जी ने ऑफर किया यहाँ पर चाय, नमकीन चाय, नून चाय, ये देखे हम यहाँ पर चाय पियेंगे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सही सलामत रखे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सबके लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी मैं तिलैल वैली में हूँ, आज ये मेरा तीसरा दिन है तिलैल वैली में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज को ब्लॉग ये वाली लोकेशन से स्टार्ट करें। देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं बुलो दरो बोलते हैं, तो बुकलिंतर भी बोलते हैं, बुलो दरो भी बोलते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। सोचा क्यों ना आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, देखिए कितना प्यारा व्यू है। और उस तरफ देखिए यहाँ के लोग जो है ना लकड़ी जो है स्टोर करते विंटर के लिए, अभी दरिया क्रॉस करके वो लकड़ी ला रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाए हमारे व्यूअर्स को किस तरह से ये लकड़ी ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो है ना ओ वाले जंगल से लाते हैं, क्योंकि इस साइड में इनको भी जंगल नहीं है, तो वहीं से ये लकड़ी लाते हैं। देखिए अभी हम ट्रेक करके आए यहाँ से ये वाले साइड से, इस विलेज का नाम है बुगलिंदर। हमने सोचा क्यों ना आगे तक जाएंगे, यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। पहले आप देखिए यहाँ के घर, यहाँ से ये देखिए ये जो विलेज है ना बहुत ही बड़ी विलेज है। जामिया मस्जिद है या मस्जिद? मस्जिद है। और यहाँ पर स्टोर है, शायद राशन स्टोर भी यहीं पर है शायद। ये तेल की टैंकी स्टोर का है, राशन का स्टोर कहाँ पर है यहाँ पर? पहले था, ग्लेशियर आने की वजह से वो खत्म हो गया, उसके बाद शिफ्ट किया गया यहाँ से। जी बिल्कुल भाई जान, जी जी जी। लकड़ी जो है ना स्टोर करते विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में यही जलाएंगे हीटिंग सिस्टम के लिए। ये जो आप नाला देख रहे हो सामने, यहाँ से ग्लेशियर आती है या नहीं आती है? यहाँ से ग्लेशियर नहीं आती, फिर लैंड स्लाइड्स होती होंगे। लैंड स्लाइड्स होती हैं, तो यहाँ से नुकसान होता है, डैमेज होता है? पहले हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर उस टाइम घर थे या नहीं थे? घर थे, ये घर सारे गए थे। देखिए भाई साहब डर लग रहा है यहाँ देखकर, ऐसा लग रहा है यहाँ तो ग्लेशियर जरूर आती होगी। ग्लेशियर नहीं आती है लेकिन लैंड स्लाइड आती है। भाई साहब आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा ऐसे घर, मुझे लग रहा है। देखिए कितने प्यारे घर है। यहाँ के बुजुर्ग लोग भी, जवान लोग भी मिलके बातें कर रहे हैं, गांव के बारे में सोच रहे होंगे, डेवलपमेंट के बारे में उम्मीद करता हूँ। आप देखिए बिल्कुल सादगी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के लोग देखे ऐसे बैठे, लगता है आपस में प्यार जाता है। इस तरफ भी देखे तो चाचा जी अभी इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, आप यहाँ पर बैठो, ये यहाँ पर बैठे, यही तो पार्टी के वार्टी का सिस्टम तो नहीं है, कोई सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता फिर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो मिलते रहना चाहिए। आप लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग। 3 कलर में आपको टोपी मिलेगी, तो ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये खुद बोल रहे हैं चाचा जी। तो आपने किस ऊन का बनाया ये? पेड़ का, आपका भी पेड़ का, थोड़ा कलर में डिफरेंस है, शक्ल अलग अलग होता है, इसी तरह ऊन भी अलग अलग होता है। जी जी, एक टोपी बनाने में कितना टाइम लगता है? इस दिन को बनाते हो? एक दिन में बनाते हो? इसका धागा बनाना थोड़ा टाइम लगता है, फिर टोपी बनाना एक दिन में। मतलब कितने दिन की प्रोसेस रहती है ये? 4-5 दिन लगते हैं। 4-5 दिन में ये वाली टोपी बनके तैयार हो जाती है? अगर हम बात करेंगे इस टोपी की प्राइस की, तो कितने में जाती है ये टोपी? 1000 से ज्यादा। फाइनल प्राइस 1000। चलने का मजा ही कुछ अलग है, यहाँ से देखे वुडन हाउसेस, यहाँ से भी वुडन हाउसेस, इतनी खुशी मिल रही है। यहाँ से मैं चल रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी थी, मैं यहाँ पर आऊँ ये चीज़ देखूँ और आपको भी दिखाऊँ, सामने भी देखे कितना।
ये पत्थर से बनाया गया है, इसको बोलते हैं बंकर। जब भी यहाँ पर शेलिंग होती है तो यहाँ के लोग जो है ना यहाँ पर बैठते हैं अंदर। ये क्या है यहाँ पर जो डैमेज हुआ है? स्टोर। स्टोर जी, यहाँ पर पहले स्टोर हुआ करता था? जी बिल्कुल। ये कब हुआ है डैमेज, कितने साल? कम से कम इसको 5-6 साल से ऊपर हो गए। 5-6 साल से ऊपर हो गए इसको डैमेज होते हुए। यहाँ से आई है लैंडस्लाइड। और इसको बर्फ मतलब थोड़ा था, उसमें लैंडस्लाइड हो गई, उससे ये डैमेज हो गया। अच्छा, बर्फ की वजह से, ग्लेशियर की वजह से? ग्लेशियर कुछ बर्फ ऐसा मतलब बर्फबारी ज्यादा हुई थी उस टाइम हो गया था ये। ये बर्फ यहाँ से आ गई, ऊपर से? ऊपर से भी आती है यहाँ ग्लेशियर, थोड़ी बहुत बर्फबारी ज्यादा हुई थी। बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से। तो ये था इनका राशन स्टोर जो डैमेज हो चुका है यहाँ पर बुगलिनतर का। तो आज कहाँ पर है आपका राशन स्टोर? आज तो अभी हुसैनगाम से मिल रहा है। हुसैनगाम, वो यहाँ से कितना दूर हो? कम से कम 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से। 2-2.5 किलोमीटर। और ये जो सामने ये जो बिल्डिंग है, ये भी स्टोर की है। मर्जी लगाई है, चारों तरफ देखे फेंसिंग किया गया है लकड़ी से। मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा जूम करके, ये देखे यहाँ पर इन्होंने बंद गोभी लगाया है। सभी हम रुके चाचा जी के पास, चाचा जी ने ऑफर किया यहाँ पर चाय, नमकीन चाय, नून चाय। ये देखें हम यहाँ पर चाय पियेंगे, चाय की सर रोटी जाम, और ये कश्मीरी रोटी है, और साथ में नेचुरल की बात करेंगे। तो आप देखें नेचुरल ब्यूटी कैसी है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, आप चेक करें कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे बैठ के हम चाय पियेंगे चाचा जी के पास, और ये भी एक हिस्ट्री रहेगी, एक रिकॉर्ड रहेगा। अब कि कैमरे में कैद हो चुका है, हो सकता है अगर 10 साल के बाद चाचा जी देखेगा तो ये चीज़ इसको याद आएगी। मुझे लाल चाय पी लेते उसके बाद निकलते आ